हे गाइस, वन सेकंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई लव डिजाइन। और आज की क्लास आप लोग के लिए एक और कोरल ड्रॉ की बेसिक क्लास। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्टैकिंग ऑर्डर के बारे में, कि स्टैकिंग ऑर्डर हम कैसे यूज करते हैं, स्टैकिंग ऑर्डर होता क्या है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमारा सबसे पहले आता है, और जो हम उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो उसके ऊपर, फिर एक और जब हम क्रिएट करते हैं तो वो उसके ऊपर, तो इस तरीके से वो सारी चीजें क्रम में क्रिएट होती रहती हैं और एक के ऊपर एक वो स्टैक करते रहते हैं। तो हमको समटाइम्स, हम लोग को कभी कभार अपने ग्राफिक्स में, अगर मान लीजिए हम बहुत ज्यादा एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और हमें उनको कभी कभार स्टैक करने की जरूरत पड़ती है, उनको अरेंज करने की जरूरत पड़ती है। हम चाह रहे होते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इसके पीछे रखना है, फिर इसके आगे रखना, या फिर इस लेयर के पीछे रखना, तो इन सभी चीजों को स्टैकिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो स्टैकिंग ऑर्डर कोरल ड्रॉ में हम कैसे यूज करते हैं, ये सारा कुछ जानने के लिए हमको चलना होगा अपने आज की क्लास की तरफ। तो कैसे यूज करते हैं इन सब चीजों को, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर रखे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो है इनका स्टैकिंग ऑर्डर क्या है, कि जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो सबसे पहले मैंने इसको ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैंने इसको जब ड्रॉ किया तो ये इसके ऊपर आया, फिर ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर, और ये फिर इसके ऊपर। तो इस तरीके से इन सब का स्टैकिंग ऑर्डर जो है क्रिएट हो गया। तो कभी कभार हम लोग को जरूरत पड़ती है कि हम इसको मूव करा के इसके ऊपर रखना चाहते हैं, या फिर इसको मूव करा के इसके पीछे रखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं स्टैकिंग ऑर्डर। तो स्टैकिंग ऑर्डर हम किस तरीके से करते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट करते हैं सेलेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट में आप यहाँ आएंगे और ऑब्जेक्ट में आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके सामने आता है ऑर्डर। ऑर्डर पर जैसे आप अपना माउस होवर करेंगे तो आपके सामने छोटा सा एक पॉपअप आपके सामने छोटा सा शो होगा, एंड इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं टू फ्रंट ऑफ पेज, और इनके साथ साथ कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन, इस तरीके से शॉर्टकट कीज वगैरह भी दी हुई हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शॉर्टकट कीज पे जो है फोकस करें, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोग के वर्क के लिए। तो फ्रंट ऑफ पेज है, फ्रंट ऑफ लेयर है, बैक टू लेयर है, फ्रंट ऑफ वन है, फॉरवर्ड वन है, बैक वन है, इन फ्रंट ऑफ है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा। मैंने इसको किया सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट में गया, ऑर्डर एंड टू फ्रंट ऑफ लेयर। ये क्या काम करता है, कि ये आपसे पूछेगा कि आपको उस लेयर के ऊपर रखना है, तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट पेज अप। तो मैं जैसे टू फ्रंट ऑफ लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये इसके ऊपर लेके आ गया, मतलब ये इन सब ऑब्जेक्ट के सबसे ऊपर लेके आ गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको, ये हमारे इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, और ये इसके ऊपर भी है। एंड इसी तरीके से अगर आप इसको सेलेक्ट रख के अगर ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑर्डर पे अगर आप जाएं और बैक टू लेयर करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस पेज डाउन है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सबसे नीचे लेके चला आएगा, मतलब इन सब ऑब्जेक्ट के सबसे नीचे में है। ये इसके नीचे में भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, मतलब ये लेयर टू लेयर पेज, लेयर टू लेयर ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे करता है और बैक लेके जाता है। तो आप इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें, शॉर्टकट कीज पे ज्यादा फोकस करें। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा हूं तो ये अभी भी ऊपर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको बैक टू लेयर किया था, तो इसलिए सबसे नीचे ये आ गया है। एंड नेक्स्ट क्या, इसके अंदर ऑब्जेक्ट में गए, ऑर्डर, और यहां से फॉरवर्ड वन। फॉरवर्ड वन में क्या है, आप वन बाय वन करके इसको जो है मूव करा सकते हैं, बैक करा सकते हैं इसको, जैसे कराना हो आपको। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको मतलब एक स्टेप आगे मूव कराना, तो मैं ऐसे कंट्रोल पेज अप पे क्लिक करूंगा। तो इसी तरीके से है, मैं जैसे इसको करता हूं सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट में गया, ऑर्डर, एंड मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको वन बाय वन करके मूव कराऊं। तो मैं जैसे बैक वन पहले क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक स्टेप मेरा पीछे की तरफ मूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इसके पीछे आ गया है, पहले ये इसके ऊपर था। मैं कंट्रोल जेड करके दिखा रहा हूँ, पहले इसके ऊपर था, लेकिन जैसे ही इसको मैं ऑर्डर में गया एंड यहाँ ऑर्डर में सेलेक्ट किया मैंने, एंड यहाँ जाके मैंने इसको करा बैक वन, तो ये इसके पीछे चला गया। ये अभी मतलब सिर्फ एक स्टेप पीछे गया, अभी ये सिर्फ इसके पीछे है लेकिन ये इसके ऊपर है। तो ये मतलब ब्लू के पीछे है, पर्पल के ऊपर है, और इसके ऊपर भी है और ग्रीन के ऊपर भी है। तो ये मतलब मेरा एक स्टेप मेरा मूव कर चुका है। तो अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि एक स्टेप आगे की तरफ लाना, तो इसको सेलेक्ट रखूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑर्डर एंड फॉरवर्ड वन जैसे क्लिक करूंगा, पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन पर क्लिक करता हूँ, अब मेरा ये ऊपर आ गया, अब मेरा सबसे ऊपर है ये। आप देख सकते हैं कि मेरा सबके ऊपर आ रहा है। तो इसी तरीके से आप कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन की हेल्प से वन बाय वन स्टेप को
मूव करा सकते हैं, आप उसको फॉरवर्ड वन कर सकते हैं या फिर बैकवर्ड आप इसको वन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट किया इसके अंदर, नेक्स्ट मेरा ऑर्डर पे गए, मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, ऑर्डर, एंड यहाँ से इन फ्रंट ऑफ या फिर बिहाइंड, आप पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू के फ्रंट और उसके बिहाइंड पीछे मतलब रख के ऑब्जेक्ट को जो है मूव कर सकते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि आप जब बहुत मल्टीपल एसेट्स पे जब काम करते हैं, आपके पास बहुत सारे शेप हो, मतलब हजारों की तादाद में आपके सामने अगर शेप वगैरह होते हैं, आप उनमें से एक एक करके अगर चीज़ों को मूव करेंगे तो आपके सामने, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। एंड आप इस शॉर्टकट की हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखें और उसके फ्रंट और बिहाइंड पे उस ऑब्जेक्ट को आप जो है मूव करा सकते हैं। तो चलिए आप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं अभी चाह रहा हूँ कि मेरा इन फ्रंट ऑफ मतलब किसके फ्रंट पे मुझे रखना है इसको, मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लिक। एंड जैसे आप इसको करेंगे तो आपके सामने आपका कर्सर का जो आइकन जो है वो एरो के शेप में हो जाएगा। एंड मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ब्लू के मैं इस मजेंटा के ऊपर रखना चाह रहा हूँ, मैं मतलब मजेंटा के फ्रंट पर रखना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे मजेंटा पे आके क्लिक करूंगा तो मेरा ये उसके ऊपर आ जाएगा, मीन्स अभी इसके नीचे है, ये पर्पल के भी नीचे है बट ये मजेंटा के ऊपर आपके शो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इन फ्रंट और इन बिहाइंड करके आप चीज़ों को जो है मूव करा सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एंड वापस इसको पीछे की तरफ अगर आप कहीं मूव करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑर्डर में जाएं एंड यहाँ से बिहाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, मतलब ग्रीन के पीछे जा रहा हूँ। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, मैं इसी के पीछे ले लेता हूँ, इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, अब ये मेरा इसके पीछे चला गया, मतलब ये इसके पीछे है, इसके पीछे भी है एंड इसके पीछे, बट ये ग्रीन के ऊपर है। तो आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो इन फ्रंट और इन बिहाइंड आपको क्लियर हो गया होगा एंड बैक वन और फॉरवर्ड वन भी आपको समझ में आ गया है। तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ वापस एंड आप इन सब चीज़ों को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स मतलब आप जैसे कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आपकी ये थी, फिर आपने ये क्रिएट किया, फिर ये क्रिएट किया, तो फर्स्ट आपका ये था एंड इसके बाद आपका स्टैकिंग ऑर्डर जो चलता चला गया। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि इसको रिवर्स करना, तो रिवर्स करने के लिए आप सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को यूँ सिलेक्ट करें एंड ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑर्डर, एंड यहाँ पे आएंगे रिवर्स पे, तो आपका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब आपका जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग आपकी 5 ये रहेगी, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से। एंड दोबारा क्लिक करता हूँ, ऑर्डर में गए एंड यहाँ से क्या किया इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड रिवर्स ऑर्डर, मींस अभी आप देख सकते हैं आप लोग को फर्क नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी फर्क क्या है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप चीज़ों को बहुत ईजी से आपको आप लोग इसको समझ जाएंगे। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इसको सेंटर में, इसको सबको मैंने किया सेलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में गया, ऑर्डर, एंड यहाँ से रिवर्स जैसे करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि सबका मतलब वैल्यू चेंज हो गया है। अब ये इसके पीछे है, फिर ये इसके पीछे, ये इसके पीछे और ये इसके पीछे। एंड अगर अगेन मैं इसको रिवर्स करूँ, ऑर्डर पे गया, रिवर्स ऑर्डर, तो आप देखिए अब ये इसके पीछे, ये अगेन मतलब ये इसके सबसे पहला ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये और ये हमारा फिर इसके ऊपर ये, मतलब हमारा ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, ऑर्डर में गए एंड टू फ्रंट ऑफ पेज एंड टू बैक ऑफ पेज। अच्छा, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ऑर्डर में गए और ऑर्डर पर क्लिक किया, तो अभी क्या है कि हमारे सामने सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ एंड ऑर्डर में गया एंड ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, आप देखिए आपके सामने कुछ चीज़ें आपके सामने हाइड हो गई हैं, जैसे कि बैक की चीज़ें जितनी थी वो सब हाइड हो गई हैं और फ्रंट फ्रंट की चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि फ्रंट की चीज़ें इसलिए शो हो रही हैं कि आपने सबसे लास्ट वाले जो सिलेक्ट की है, तो फ्रंट के लिए मूव कराने के लिए आपके पास चीज़ें बाकी हैं, मतलब आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है। आप इन सब वैल्यू के आगे अपनी चीज़ों को जो है फ्रंट पे रख सकते हैं। और बैक की चीज़ें इसलिए हाइड हो गई थी क्योंकि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोरल इसलिए इन सब चीज़ों को हाइड कर देता है क्योंकि उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसको कहाँ मूव कराओगे, तो इसलिए उन सब चीज़ों को वो नन शो कर देता है। एंड अगर मैं किसी बीच ही किसी वैल्यू पर रख के क्लिक करूंगा तो आपके सामने देखिए सारी वैल्यू जो है आपके सामने शो हो जाएगी, मतलब बैक की भी आपके सामने ओपन है और जो है फ्रंट की भी ओपन हो चुकी है। एंड जो लास्ट आप लोग का बचा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट में अगर जाएंगे, ऑर्डर पर गए, तो इन फ्रंट पेज और बैक टू पेज दोनों लगभग इसी की तरह काम कर रहे होते हैं।
जैसे शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन की हेल्प से हम लोग इसको लेयर के अंदर मूव कराते हैं, तो उसी तरीके से आप जब आप अपने कोरल में कोई मल्टीपल पेज अगर लेके आप काम करते हैं तो उसमें आप कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड की हेल्प से आप पेज टू पेज मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, तो उसके लिए आप इन सब कीज को यूज कर सकते हैं। बाकी इनका यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम है, रिजल्ट आप लोग को बिल्कुल सेम आएगा, बस शॉर्टकट कीज आप लोग की चेंज है इसके अंदर। तो जैसे ये वैल्यू आपकी काम करती है उसी तरीके से आपकी ये वैल्यू काम करेंगे, बस ये पेज के लिए है कि आप पेज के अंदर से कुछ ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हैं, और ये लेयर के लिए होता है कि आप लेयर के अंदर से चीजों को मूव कराते हैं। एंड बाकी शॉर्टकट कीज आप लोग जरूर फोकस करें, फ्रंट ऑफ पेज के लिए आपका कंट्रोल प्लस होम है, टू बैक टू पेज के लिए आपका कंट्रोल प्लस एंड है, और लेयर के लिए आप अगर लेयर के फ्रंट पर रखना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट पेज अप करें, और लेयर के पीछे अगर ले जाना चाहते हैं तो शिफ्ट पेज डाउन, एंड वन बाय वन करके आप अगर अपनी वैल्यू को बैक या फिर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज अप फॉरवर्ड के लिए, बैक वन के लिए आप कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करें, एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के अगर आगे आप रखना चाह रहे हैं तो इसको इन फ्रंट ऑफ की वैल्यू को आप सेलेक्ट करें, और जिस वैल्यू के आप अगर आगे रखना चाहते हैं उस वैल्यू के ऊपर आप क्लिक करें तो आप यहां से उसको उसके पीछे या फिर उसके आगे अपनी वैल्यू को जो रख सकते हैं, और रिवर्स ऑर्डर के लिए आप अपने यहां से रिवर्स का स्टैकिंग ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए आप लोग को पढ़ाना पड़ा। सो आई होप दोस्तों आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी और आप लोग को स्टैकिंग ऑर्डर की समझ भी आप लोग को आ गई होगी। अगर आप लोग को आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को आज की क्लास में क्या, आप लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा और क्लास कैसी लगी आप लोग को। तब तक आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग तब तक अगली वीडियो का वेट कीजिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।